हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। 3 मंथ्स के करंट अफेयर को आज हम रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली ये ना एक रिविजनल वीडियो है, फटाफट से करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के हिमाचल के करंट अफेयर आज हम रिवाइज करेंगे फटाफट से। डिटेल में तो हम अपनी वीकली डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से MCQs को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 की रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कॉलेज में पिछले कुछ सालों में कॉलेज में जो लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात है, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो उसको क्या हो गया है, क्या ये बढ़ा है, घटा है, या एक तरह का रहा है, या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर इंक्रीज्ड। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो हायर स्टडीज़ हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे क्यों नहीं होता था? पहले लड़कों को, लड़के ज़्यादा हायर स्टडीज़ में जाते थे, लड़कियां कम हायर स्टडीज़ में जाती हैं। जस्ट बिकॉज आप सब लोग जानते ही हो कि अभी अवेलेबिलिटी भी हो गई है शिक्षा की। जैसे पहले कई दूर दराज सिटी में कोई एक पर्टिकुलर सिटी में एक दो ही कॉलेज होते थे, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए अभी लड़कियों की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से। ठीक, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सोनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। सोनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली समाचार में था, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर 382 मेगावाट। ठीक है, 382 मेगावाट। नेक्स्ट आ गया, व्हेन वॉज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना लॉन्च्ड। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपकी की गई थी 25 फरवरी को। ठीक है, केलोंग में की गई थी 25 फरवरी को। नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन BSF सुमन कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी बिलोंग करती हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से। कितने रुपीज़ टीबी पेशेंट को दिए जाएंगे मंथली बेसिस पर टीबी की ट्रीटमेंट के लिए? तो ये इनको दिए जाएंगे ए और बी, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, 500 और 1500 रुपीज़। कैसे? 500 रुपीज़ उन लोगों को दिए जाएंगे जिनको नॉर्मल टीबी है, और 1500 रुपीज़ उनको दिए जाएंगे जिनको MDR है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, वो बहुत सारी दवाइयों को रेजिस्टेंट हो जाता है, जिससे उसको दवाइयों का फ़र्क नहीं पड़ता है। इलाज थोड़ा सा महंगा होता है इसका, राइट। मोनिका शर्मा जो कि 4 मेंबर मल्टी इंस्टीट्यूशन टीम की मेंबर थी, जिनको कि एक एंटी फंगल, मतलब जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पर पेटेंट मिला है, वो हिमाचल की किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं? तो ये है आपकी है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी। एंटी नैनो पार्टिकल्स की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पर ये पेटेंट मिला है। 4 मेंबर्स की टीम थी मल्टी इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हाइएस्ट फिडल हेड स्कल्पचर ऑफ स्टेट वॉज पुटअप रिसेंटली। स्टेट का जो हाइएस्ट फिडल हेड मूर्ति है कहाँ पर स्थापित की गई? दाढ़ी में की गई। दाढ़ी कहाँ है आपका? धर्मशाला के कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा के धर्मशाला में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी गॉट ODA++ स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फॉर 2023? तो ये आपको मिला है सोलन को। ये एक से नहीं रहते हैं, समय समय पर जब ये सर्वेस होते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज शिमला'स रैंक इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज इन स्टेट अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023? शिमला का क्या रैंक है अर्बन लोकल बॉडीज में, स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो फर्स्ट रैंक है शिमला का। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना? डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना की क्या कॉस्ट है? 200 करोड़ रुपए कॉस्ट है इसकी। हाउ मच मिल्क सेस इज इम्पोज्ड ऑन लिकर बॉटल इन हिमाचल प्रदेश? लिकर बॉटल में कितना मिल्क सेस इम्पोज किया गया है? 10 रुपए का किया गया है, 10 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज आर गिवन अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना? 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ भी उस घर में दी जाएगी जिस घर को बनाने के लिए इन रुपयों का यूज़ किया जाएगा।
हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू विधवा पुनर्विवाह योजना दिस फाइनेंशियल ईयर? विधवा पुनर्विवाह योजना को इस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये आपके किए जाएंगे यहाँ पर 70 लाख रुपीस। पहले रुपीस दिए जाते थे 50,000 रुपीस दिए जाते थे मदद, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? कन्यादान योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये आपके 51,000 रुपए दिए जाते हैं कन्यादान योजना के अंतर्गत। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना दिस फाइनेंशियल ईयर? मदर टेरेसा आशा मातृ संबल योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1,000 लाख रुपए। हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री शगुन योजना? मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 31,000 रुपए दिए जाते हैं। सशक्त महिला योजना, अच्छा ये यहाँ पर एक नई योजना खोली थी जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी जमानत के ऋण दिया जाएगा महिलाओं को, जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड को अर्न कर सके, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सके और वीमेन एम्पावरमेंट में एक ये स्टेप होगा। 21,000, 51,000, 1 लाख रुपये का लोन ये ले सकती हैं 18 से 55 ईयर्स की महिलाएँ। ठीक है, वाटर सेस कमीशन एस्टेब्लिश कब किया गया था हिमाचल प्रदेश में? तो 24 जुलाई 2023 को, बी ऑप्शन सही है इसका, 24 जुलाई 2023 को वाटर सेस जनरेशन एक्ट 2023 इंप्लीमेंट किया गया था। ई उद्यान पोर्टल हैज स्टार्टेड फॉर, ई उद्यान पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल को शुरू किया गया है फार्मर्स के लिए। इससे ये हॉर्टिकल्चर सर्विसेज के जो भी बेनिफिट हैं बागवानी सेवाओं के, उनको उठा सकते हैं। व्हाट इज टारगेट ऑफ गिविंग टैप वाटर कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन? कितना टारगेट है? तो ये आपका 2024 तक रखा था और हमने देखा था कि भाई इसको पूरा भी कर लिया गया है डॉक्यूमेंट्स में। हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन इन हिमाचल प्रदेश? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? तो लगभग 1.36 लाख जो कर्मचारी हैं उनको मदद मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम योजना से। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग अ ई चार्जिंग स्टेशन टू प्राइवेट व्हीकल ऑपरेटर्स? प्राइवेट व्हीकल ऑपरेटर्स अगर ई चार्जिंग स्टेशन को, निजी चार्जिंग स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करना चाहते हैं निजी वाहन संचालक, तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी उनको? उनको सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पर 50% की। किस डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप किया जाएगा? कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप करेंगे। कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल हो गई, मंडी कल्चरल कैपिटल हो गई और शिमला तो हमारी कैपिटल है ही। हाउ मेनी फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीपल आर गेटिंग इन हिमाचल प्रदेश? कितने फ्री यूनिट मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? 125 यूनिट। प्रवीण सिंह लोहिया जो कि जिनको तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। व्हाट इज नेम ऑफ हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम? हिमाचल का स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम का क्या नाम है? अपना विद्यालय, जिसमें बड़े बड़े अफसर नेता लोग एक एक सरकारी विद्यालय को अडॉप्ट करेंगे ताकि उसको किसी न किसी तरह से हम लोग सुधार सकें। हिमाचल फिल्म पॉलिसी 2024 क्या करेगा? हिमाचल प्रदेश को एक फेवरेट फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करेगा, इसीलिए एनुअल फिल्म अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जिसमें एनुअल फिल्म अवार्ड्स उन फिल्मों को दिए जाएंगे जो 50% स्टेट में की गई हो। ये नई पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सीएम सुखू इनॉग्रेटेड द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप? तो ये आपकी की गई थी शिमला में, ठीक है, नदौन में भी हुई थी पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट जियो डाइवर्सिटी पार्क इज प्रपोज्ड? इंडिया का पहला जियो डाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर प्रपोज किया गया है? भागसुनाग में, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। शिवरात्रि का त्यौहार जो है हिमाचल में किन महीनों में मनाया जाता है? फरवरी और मार्च के महीनों में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। हवाओं के रुख किताबों के जो लेखक हैं कौन से हैं? तो ये हैं आपके मुरारी शर्मा जी। कांगड़ा फोर्ट जो न्यूज़ में रिसेंटली था, जो क्लिफ में बना हुआ है, किन दो रिवर के बीच में बना हुआ है? मांझी और बाणगंगा दोनों के बीच में बना हुआ है। आप लोगों ने एक वो देखा होगा, अभी मैंने कल की करंट अफेयर में डिस्कस किया था ना, तो कांगड़ा फोर्ट के बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ था इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक,
न्यूगल रिवर जहां पर इलीगल माइनिंग रिपोर्ट की गई है रिसेंटली, वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर सतलुज नदी की। ओहो, फिर से सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये, यहाँ पर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मैंने आपको शायद पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये टाइप यहाँ पर गलत हो गया था, जिसको मैंने, मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पर इसको फिर करेक्ट नहीं किया। न्यूगल रिवर आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और नोगली जो रिवर है वो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। प्लीज़ कोई इसको गलत, वैसे तो कोई नहीं करेगा, मुझे पता है सबको ये बेसिक सब पता ही है। ठीक, न्यूगल, ब्यास, नोगली, सतलुज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल बी सेटअप? फर्स्ट म्यूजियम कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, भारतीय मौसम विभाग का, शिमला में किया जाएगा ये। किस तरह से 1875 में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो बना था, मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताएंगे। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा कहाँ पर अवेल की जा सकती है? आप किस वाले नंबर पर अवेल कर सकते हो? तो ये आप अवेल कर सकते हो 1962 पर जाकर के। कौन से इंस्टीट्यूट ने नॉन इन्वेजिव ग्लूकोमीटर बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? तो ये आपके बनाया है यहाँ पर IIT मंडी ने। ठीक है, एम्स बिलासपुर से बहुत सारे पेशेंट लिए थे, उनके सांसों का सैंपल लिया था। मतलब पहले खून नहीं देना पड़ेगा, जैसे बहुत सारा खून देना पड़ता, खून से ही ग्लूकोमीटर से आपका इंसुलिन का लेवल पता चलता है बॉडी में, लेकिन इससे अब ब्रेथ से पता चलेगा। कोदरा लड्डू जिनको हिमाचल में सोल्ड किया जाएगा, अभी किस ब्रांड के अंतर्गत सोल्ड किया जाएगा? पहाड़ी रतन। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जिनको कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया रिसेंटली, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं सिरमौर जिले से। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने ताकि हिमाचल प्रदेश में वोटर टर्नआउट अच्छे से हो, मतदान प्रतिशत को बढ़ावा मिले? मिशन 414। मुस्कान नेगी जिनको कि स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने यूथ आइकन बनाया है, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी बिलोंग करती हैं शिमला जिले से, म्यूजिक के टीचर हैं RKMV में। अच्छा, ये ऑथर ऑफ बुक किले इज, किले किताबों के जो ऑथर हैं वो कौन है? SR Harnot। विच ऑफ फॉलोइंग विल बी कंसिडर एज फैमिली यूनिट इन इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना? एप्लीकेंट, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है यहाँ पे, एप्लीकेंट, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी में कोई कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वट इज द टारगेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इरेडिकेट टीवी? टीवी को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश का जो टारगेट है वो क्या है? साल 2025 का टारगेट रखा है इन्होंने टीबी को खत्म करने का। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन मिल्क? हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है पूरे भारत में जिन्होंने कि दूध के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होला मोहल्ला फेयर इज बींग सेलिब्रेटेड? कहाँ पर शुरू हुआ है ये होला मोहल्ला फेयर? तो ये आपका शुरू हुआ है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। डोलरू इज सेलिब्रेटेड प्रीडोमिनेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? डोलरू कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो डोलरू को आपके सेलिब्रेट किया जाता है बोथ ऑफ द अबव, चंपा और कांगड़ा दोनों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सुपीरियर प्रोडक्ट जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे उनके ब्रांड को क्या नाम दिया जाएगा? तो उनके ब्रांड को नाम दिया जाएगा मांडव। नेक्स्ट आ गया, महालक्ष्मी गारंटी के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये आपके दिए जाएंगे 1 लाख रुपीस। वजीर राम सिंह पठानिया जिनको कि उनकी वीरतापूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये आपके बिलोंग करते थे नूरपुर स्टेट से। नूरपुर फोर्ट के बारे में आर्टिकल आया हुआ था। एट विच पोजीशन हिमाचल स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एज पर द इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन? कहाँ पर बिलोंग करता है? सेकेंड में।
दिनेश कुमारी जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया 2022 में, किस जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के लिए इनको नेशनल अवार्ड 2022 में दिया गया? तो चंबा रुमाल के लिए ये काम करती हैं, और अभी इन्होंने क्या किया है कि फ्री में जो लड़कियां हैं ना उनको ये अपने घर पर सिखाती हैं चंबा रुमाल की एम्ब्रॉयडरी के बारे में। हरीश चंद्र लक्तू जिनको कि इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग रेफरी सिलेक्ट किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से। गाहर वैली जहाँ पर गोची फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? लाहौल स्पीति में लोकेटेड है ये गाहर वैली। विच ऑफ द प्लेसेस हैव डिक्लेयर्ड वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर प्रमोटिंग देयर कंजर्वेशन? कौन से ऐसी जगहें हैं जिनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, खजियार और रिवालसर, ये दोनों ही ऐसे प्लेसेस हैं जिनको कि नेशनल वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश साइंड MOU टू प्रमोट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? किसके साथ मिलकर के हिमाचल प्रदेश ने अत्याधुनिक स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका यहाँ पर आ गया NDDB, धगवार कांगड़ा में बनेगा ये मिल्क प्लांट। कितने ये फिर से आ गया, अच्छा हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट रोबोटिक लैब कहाँ पर बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है बिलासपुर में, जुखाला सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। स्टेट की फर्स्ट स्पेस लैब कहाँ पर बनाई गई है? स्टेट की फर्स्ट जो स्पेस लैब है वो भी बिलासपुर में बनाई गई है, GSS फॉर बॉयज में ये बनाई गई है। युविका प्रोग्राम, इसरो ने एक युविका प्रोग्राम को शुरू किया है उसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। बोविन कुमार जिनको नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिया गया है, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं? पालमपुर से ये बिलोंग करते हैं। CEO हैं ये हाईवे एंड क्यूब हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन असेट एडवाइजर्स के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी है ये। दीक्षांत शर्मा जिनको कि राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2024 से ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है, किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं सोलन जिले से। विप्रो अर्थली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2023 सैनवाला स्कूल को दिया गया है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। Who among the following musician won best global music album award in Grammy? ये नेशनल वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो वैसे दो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन दोनों को ही मिला हुआ है, एक क्वेश्चन बीच में आ गया था ये। Which state got best state in horticulture award? Best state in horticulture award का ये award किसको मिला है? तो ये आपके मिला है हिमाचल प्रदेश को। 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हुई थी दिल्ली में, तब वहाँ पर ये मिला था। ई पूजा प्रणाली किसने शुरू की है, किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है? तो ये जो ई पूजा प्रणाली है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में शुरू की गई है ई पूजा प्रणाली। रितु जिनको कि अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, किस जिले से बिलोंग करती हैं? सिरमौर से ये बिलोंग करती हैं। वरुण विवरेजेस लिमिटेड जिनको कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बनाया जाएगा, उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी टोटल कॉस्ट है आपकी 268 करोड़ रुपीस। IT पार्क जिसको कि चैटरू में बनाया जाएगा, उसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है आपकी यहां पर 17 करोड़। IT पार्क। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का फेज टू का मेन फोकस क्या रहेगा? तो इसका जो मेन फोकस है वो 100-500 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करना है। पहले वाले का था ई वाहन पर सारा का सारा फोकस, ठीक है। ई टैक्सेस वगैरह हो गई, टैक्सेस के ऊपर जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करना। सेकंड आ गया 100-500 किलोवाट
सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाना। बेसिकली जब कांग्रेस पावर में आ रही थी तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो यूथ है उनको नौकरियां प्रोवाइड करवाएंगे और उनको लाइवलीहुड देंगे, रोजगार देंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। 680 करोड़ रुपए की योजना है ये। जूलॉजिकल पार्क दैट विल बी सेटअप इन बनखंडी, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, देखो पता नहीं क्यों ये वाली जो कॉस्ट है ना इसकी हर जगह अलग बताई है। जैसे कई जगह 250 करोड़, 300 करोड़ मैक्सिमम जगह, अभी आजकल ये 300 करोड़ बताई जा रही है, 300 करोड़। लेकिन ये भी न्यूज़पेपर में ही आया था कि 619 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट ये लोग बता रहे हैं कि जब तक ये पूरा बनेगा तो इतना इसका हो जाएगा। पर अगर मैक्सिमम जगह इसकी 300 करोड़ रुपए बता रहे हैं जूलॉजिकल पार्क की कॉस्ट। जब से ये बनने का शुरू हुआ है, मैंने आपको शायद पहले वाली वीडियो में भी बताया था जब इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कि जब से ये बनना शुरू हुआ है इसके बजट हर जगह अलग अलग ही बता रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है। विंटर कार्निवल इनॉग्रेट कहां पर किया गया रिसेंटली, शिमला में हुआ था उस समय पर ये। हिमाचल प्रदेश में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, हिम उन्नति योजना। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन लाना है एक तरह से, ठीक है, दो तरह की चीजें लाने का ये सोच रहे हैं। एक तो हो गया एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन और एक हो गया आपका मिल्क रिवोल्यूशन। मिल्क रिवोल्यूशन के लिए जो इन्होंने स्कीम को शुरू किया गया है वो है आपकी हिम गंगा, और एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के लिए हिम उन्नति। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट को क्यों शुरू किया गया है, किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सिट्रस फ्रूट्स की। थाना प्लॉन विद्युत परियोजना की कैपेसिटी क्या है, जो न्यूज में थी, 191 मेगावाट थाना प्लॉन विद्युत परियोजना की क्षमता है। किस हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में हाइट कपल जो जर्मनी से आए थे उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया था, केलांग लाहौल स्पीति में। हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत कितने रुपए का लोन दिया जाएगा, तो ये आपका दिया जाएगा 50 लाख रुपए का लोन। शहद प्रकृति का एक अनुपम उपहार, इसकी लेखक कौन है, तो ये है आपके यहां पर डॉक्टर राजेश कुमार। अच्छा, एक स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट हिमाचल में बन रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट है इसकी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और स्कूल और सोसाइटी में एक तरह का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए किस स्कीम को लॉन्च किया गया है, अपना विद्यालय मेरा विद्यालय। पढ़ो हिमाचल क्या है, एक तरह से मास कैंपेन है जो शुरू किया गया है, ताकि जो 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक तरह से रीडिंग रूम्स बनाए जाएं, रीडिंग और जो टीचिंग का कल्चर है उसको विकसित किया जाए, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने की जो संस्कृति है उसको विकसित किया जाए। और क्या किया जाए, और क्या किया जाएगा, 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पर रीडिंग रूम्स भी बनाए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर के लिए प्रपोज्ड बजट क्या है, 9,560 करोड़ रुपए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन कहां पर खोला जाएगा, कंडा घाट में। आदर्श नशा निवारण क्षेत्र कहां पर, कंडा घाट में। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, 70+ लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटी देगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जो विडोज के बच्चे हैं 27 साल से कम है उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, 1 लाख की, लेस देन 1 लाख अगर उनकी इनकम होती है, अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग IIM IIT NIT नर्सिंग इन सारी जगहों पे जाते हैं तो। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, तो इसमें क्या किया जाएगा, 2 विलेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिलेक्ट किए जाएंगे जहां पर साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भेजा जाएगा ताकि वो रिसर्च कर सके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में, और किस चीज़ के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी।
फर्स्ट सुखाश्री आदर्श ग्राम परिसर कहाँ पर बनाया गया है? लुथान कांगड़ा में। मिल्क रेट में कितना बढ़ावा किया गया है? 6 रुपए का। हिमगंगा योजना का बजट कितना है? 500 करोड़ रुपए। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है सोलर पावर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए? 1 मेगावाट तक के 40% की दी जाती है। किस तरह के कोड क्रिएट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ताकि वो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स को कॉमन आम लोगों के रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स यानी राजस्व संबंधी मामलों को निपटाए? तो ये की गई हैं आपकी विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालत। विच विलेजेस इज गवर्नमेंट डूइंग टू एस्टेब्लिश टू इंट्रोड्यूस टूरिस्ट टू कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश? टूरिस्ट विलेज, पर्यटन ग्राम, पर्यटक गांव नहीं, पर्यटन ग्राम है ये। विच यंग साइंटिस्ट ऑफ हिमाचल वॉज अवार्डेड यंग रिसर्चर अवार्ड 23 इन जापान? सिरमौर के पंकज, डॉक्टर पंकज अत्री हैं, इनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, दो यंग रिसर्चर अवार्ड 23 मिला जापान में। एट विच प्लेस फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश? कांगड़ा में। अंडर विच स्कीम HRTC विल स्टार्ट बसेस फॉर रिलीजियस प्लेसेस? प्रथम दर्शन सेवा के तहत ये स्टार्ट करेगा। इनका भी म्यूजियम बनेगा HRTC वालों का एक शिमला में। अंगूरों की धरती हिमाचल प्रदेश में किसे कहा जाता है? रिब्बा किन्नौर को। तो ये थे हमारे 3 महीनों के करंट अफेयर जिनको बिल्कुल हमने फास्ट वे में डिस्कस किया है जस्ट एक रिविजनल वीडियो के तौर पर, बिकॉज इनकी डिटेल्स को हम अपने वीकली डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वीकली डिस्कशन को ज़रूर देखें बिकॉज एक करंट अफेयर में हमने बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया होता है, हर एक के MCQs तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फटाफट वाला रिविज़न था, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो जाकर के वीकली डिस्कशन को देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी है हिमाचल करंट अफेयर 2023 की भी और 24 की भी। तो आज की इस वीडियो में था इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ।